नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मरुधर यात्री व्लॉग पर। मैं इस वक्त हूँ जोधपुर स्थित गीता भवन। मैं इस वीडियो में आज आपको गीता भवन के अंदर के वीडियो दिखाऊंगा। ये सामने मुख्य द्वार बना हुआ है, ये गीता भवन जोधपुर, काफ़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आपको आध्यात्मिक किताबें और गीता वगैरह हर प्रकार की बुक यहाँ पर मिल जाएगी। आइए चलते हैं गीता भवन के अंदर। यहाँ पर आपको दीवारों पर खूबसूरत चित्रकारी और बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक देखने को मिलेंगे। गीता भवन काफ़ी फेमस है जोधपुर में। अगर आप जोधपुर शहर में शांति की खोज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आएं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ गीता भवन के अंदर काफ़ी सारे मंदिर भी बने हुए हैं। मैं इस वीडियो में आपको वो मंदिर ज़रूर दिखाऊंगा। ये सामने की ओर जो आप देख रहे हैं, ये श्री कृष्ण भगवान की लीला है, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। ये सामने मुख्य द्वार है। गीता जयंती के दिन यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं और यहाँ पर सोने से लिखी हुई गीता रखी जाती है दर्शनों के लिए, जिसके दर्शन आप गीता जयंती के दिन कर सकते हैं। आप जो ये चित्र देख रहे हैं, ये उसी गीता का है जो 190 वर्ष पुरानी है, 1889 में सोने से लिखी गई थी गीता, जिसको आज भी सुरक्षित रखा गया है और उसकी चमक आज भी बरकरार है। ये श्री हनुमान जी का मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है यहाँ पर, जिसमें रावण की सेना से युद्ध दिखाया हुआ है और हनुमान जी संजीवनी पर्वत उठाए हुए हैं। काफ़ी शांत वातावरण है यहाँ का। ये श्री नाकोड़ा भैरव जी की प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पर। गीता भवन जोधपुर शहर के बीचों बीच बसा हुआ है। ये शिवांशी गेट स्थित मुख्य सड़क से आप गीता भवन आसानी से आ सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा बनी हुई है। ये भगवान विष्णु का विराट स्वरूप काफ़ी खूबसूरत मूर्ति बनी हुई है। भगवान विष्णु के सभी अवतारों की यहाँ गीता भवन के अंदर भगवान श्री कृष्ण का चक्रधारी मंदिर भी बना हुआ है। मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। फिलहाल तो मंदिर बंद है, लेकिन ये सामने आरती का समय लिखा हुआ है, ये श्री चक्रधारी मंदिर। आइए नज़दीक से देखने की कोशिश करते हैं।
अभी तो मंदिर पर ताला लगा हुआ है, लेकिन आरती के वक्त ये खोला जाता है। यहाँ श्री भगवान कृष्ण का मंदिर है। तो दोस्तों, ये था जोधपुर स्थित गीता भवन का वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल मरुधर यात्री व्लॉग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सबका। मिलता हूँ आगे एक और नई जगह के साथ। तब तक के लिए बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।